कोरोना वायरस के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उससे लोगों में टेंशन बढ़ती जा रही है। एक दिन में कोरोना के मामले 65% तक बढ़ गए हैं। देश भर में मंगलवार को कोरोना के 9,195 कोरोना केस आए थे। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,154 नए कोरोना केस आए हैं और 268 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 29 दिसंबर 2021 तक देश भर में 143,83,22,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 63.51 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 67.63 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 11 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इसका पॉजिटिव रेट 1% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.38% है जबकि रिकवरी रेट 98.38% है। एक्टिव केस 0.24% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 35वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। वहीं ओमिक्रॉन ने देश में अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। ओमिक्रॉन देश के 22 राज्यों तक पहुंच चुका है। दिल्ली में 263 और महाराष्ट्र में 252 मामलों के साथ देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 961 हो गई है। वहीं बात करें नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले गुरुवार को 31 नए मामले, शुक्रवार को 25 नए मामले, शनिवार को 22 नए मामले, रविवार को 27 नए मामले, सोमवार को 39 नए मामले, मंगलवार को 31 नए मामले, बुधवार को 41 नए मामले और आज गुरुवार को 18 नए मामले आए हैं जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 85,338 से 85,346 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है जो कि राहत की बात है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।